हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने अभी स्क्रीन पर स्टेटस देखा दोस्तों, तो आज हम वही स्टेटस बनाने वाले हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, ठीक है दोस्तों। सो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सब कुछ सिखाने वाला हूँ अभी दोस्तों। सो चलिए दोस्तों आगे की ओर। सो दोस्तों, ऐसा स्टेटस बनाने के लिए सबसे पहले एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है लाइट मोशन। अगर आपके पास वो नहीं है तो दोस्तों डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ से डाउनलोड करने के बाद मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दो प्रोजेक्ट की लिंक मिलेगी, तो जितने भी प्रोजेक्ट है उन्हें डाउनलोड करके एलाइट मोशन में इनपुट कर लेना है। अगर एलाइट मोशन में इनपुट करने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है दोस्तों आपको, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, या फिर आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक है तो उस वीडियो को देख लेना। स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पूरा प्रॉब्लम सोल्व करके बताया गया है, ओके फ्रेंड। सो दोस्तों, इतना करने के बाद हमें क्या करना, यहाँ से अलाइट मोशन को ओपन कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ दोस्तों आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि डेली न्यू स्टाइल में आपके लिए वीडियो आती रहती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ओके फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर देना, ठीक है दोस्तों। सो इतना करने के बाद आपको अलाइट मोशन ऐप को ओपन करना है, ओके फ्रेंड्स। जैसे ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इंटरफेस आने के बाद हमें क्या करना दोस्तों, यहाँ पर ये प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है तो इसी पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने तीन प्रोजेक्ट ओपन होकर आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। सो हमें क्या करना दोस्तों, यहाँ से बिटबॉक्स सॉन्ग को ओपन करना, हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस बीट के हिसाब से फ़ोटो लगा दें, ठीक है दोस्तों। ये बीट आप देख सकते हैं रेड कलर में, ओके फ्रेंड्स। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको चलिए फ़ोटो लगाकर बता देता हूँ। अब फोटो लगाने के लिए सिंपल सा दोस्तों, नीचे आपको प्लस वाला आइकन दिखता है तो उस पर क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है दोस्तों। इस पर क्लिक करना, और यहाँ पर आपको फोल्डर का नाम दिख रहा है तो इस पर क्लिक करना। आपके मोबाइल में जितने भी फोल्डर्स रहेंगे सारे फोल्डर्स ओपन होकर आ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिस फोल्डर में भी आपकी फ़ोटो है उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। उसका जो भी फ़ोटो लगाना हमें, उस फोटो पर एक बार क्लिक करेंगे उसका ऊपर हमें थ्री डॉट मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। थ्री डॉट पर क्लिक करना है और फादर नंबर पर मिल जाएगा फिल कंपोजिशन एरिया, तो उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर नीचे तीर का निशान दिख रहा है तो इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से फ़ोटो को कट कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये फ़ोटो लग जाएगी। उसके बाद आपको सेकंड फ़ोटो लगाने के लिए फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद फ़ोटो पर क्लिक करना हमें, और इस थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देना। उसके बाद इस तीर के निशान पर क्लिक करना और एक बार और क्लिक कर देना। उसके बाद ये वाला ऑप्शन दिखेगा हमें तो इस पर क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। तो ये फ़ोटो यहाँ तक आ जाएगी। फिर सेम प्रोसेस करके सारी फ़ोटोज लगाते जाना है, ओके फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ़ोटो लगा लेना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके सारी फ़ोटोज लगाकर बता देता हूँ, ओके फ्रेंड्स। तो फोटो किस तरह से लगाना एक बार और बता देता हूँ। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना दोस्तों, और फोटो पर क्लिक करना। उसके बाद ऊपर थ्री डॉट पर क्लिक करना दोस्तों, और पाँचवें नंबर पर मिलेगा फिल कंपोजिशन एरिया, उस पर क्लिक करना। उसका दिस तीर के निशान पर क्लिक करना और यहाँ से इसे कट कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं सारी फ़ोटोज़ लगाकर बता देता हूँ, ओके दोस्तों। सो दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से मैंने लास्ट तक सारी फ़ोटोज़ लगा लिया हूँ, ओके फ्रेंड्स। तो सारी फ़ोटो लगाने के बाद हमें क्या करना दोस्तों, यहाँ से बैक चले जाना, इस तरह से बैक आ जाना दोस्तों, और जो भी हमारा शेक इफेक्ट है उसे ओपन कर लेंगे। जैसे उसे ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पर तीन फ़ोटो मिल जाएगी, ओके फ्रेंड्स। तीन फ़ोटो मिल जाएगी तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो भी फर्स्ट लास्ट वाली फ़ोटो ये लास्ट में इस फ़ोटो पर क्लिक कर देना। जैसे लास्ट वाली फ़ोटो पर क्लिक करेंगे तो इफेक्ट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद यहाँ पर नीचे कोने में थ्री डॉट आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। थ्री डॉट पर क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर मिलेगा कॉपी इफेक्ट, ठीक है दोस्तों। कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ से हमें बैक चले जाना। बैक जाने के बाद हमें बिटमार्क सॉन्ग को फिर से ओपन कर लेना दोस्तों, और ओपन करने के बाद हमें इस तरह से आगे आ जाना, ठीक है दोस्तों। आगे आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, जैसे आगे आएंगे तो इस तरह से यहाँ पर दो फोटो मिलेगी, ठीक है दोस्तों। ये तो इस फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना दोस्तों, थ्री डॉट पर क्लिक करना और यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना। उसके बाद अगली फ़ोटो मिलेगी 3.4 सेकंड पे, तो इस फोटो पर भी क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना और थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना, ठीक है दोस्तों। उसका जो अगली फ़ोटो है दोस्तों यहाँ पर 3.20 सेकंड पे, तो इस फोटो को हमें छोड़ देना है। उसके बाद आगे आना है 4.24 सेकंड पे, और उस फोटो पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना दोस्तों और पेस्ट इफेक्ट कर देना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से
सो इसी तरह से हम सारी फ़ोटो पर इफेक्ट लगा लेंगे दोस्तों। इस तरह से सारी फ़ोटो पर इफेक्ट लगा लेना लास्ट तक। ओके फ्रेंड्स, लास्ट फ़ोटो तक ये वाला इफेक्ट लगा लेना और फर्स्ट वाली फ़ोटो पर भी ये वाला इफेक्ट लगा लेना इस तरह से। ओके दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करना दोस्तों, यहाँ से बैक जाना है और शेक इफेक्ट को ओपन कर लेना है। शेक इफेक्ट को ओपन करने के बाद हमें इस तरह से दूसरे नंबर की फ़ोटो पर आना है और इस फोटो पर क्लिक करना दोस्तों, इफेक्ट पर क्लिक करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना दोस्तों और यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना। ओके फ्रेंड्स, इतना करने के बाद आपको इस तरह से बैक जाना है और बिटमैप सॉन्ग को ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद हमें इस तरह से आगे आ जाना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आ जाना 3.20 सेकंड पे, उसके बाद यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करना तो इस तरह से फोटो मिल जाएगी 3.20 सेकंड पे। तो इस फोटो पर क्लिक करना दोस्तों और इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा उस पर क्लिक करना, थ्री डॉट पर क्लिक करना और यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना। ओके फ्रेंड्स, इधर करने का थोड़ा सा आगे आना दो फोटो छोड़कर, यहाँ पर 5.21 सेकंड पे आ जाना और इस फोटो पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना दोस्तों और थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। फिर से हमें दो फोटो छोड़ देना दोस्तों और इस तरह से 7.24 सेकंड पे आना है और इस तरह से इफेक्ट पेस्ट कर देना। तो इसी तरह से हम बड़ी वाली फ़ोटो में इफेक्ट पेस्ट कर लेंगे लास्ट तक, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप भी पेस्ट कर लीजिए। इस तरह से दोस्तों लास्ट तक इफेक्ट पेस्ट कर लेंगे हम लास्ट वाली फ़ोटो तक। उसके बाद हमें क्या करना दोस्तों, फिर से बैक चले जाना, तो यहाँ पर क्लिक करना और इस तरह से बैक आ जाना। बैक आने के बाद फिर से शेक इफेक्ट को ओपन कर लेना, फर्स्ट वाली फ़ोटो पर एक बार क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना दोस्तों और थ्री डॉट पर क्लिक करना और यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना। इतना करने के बाद ऊपर एक शेप मिलेगा तो इस शेप पर क्लिक करना, ठीक है दोस्तों, राउट एंगल पर, रेक्टेंगल पर। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना यहाँ पर और यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक चले जाना। बैक जाने के बाद आपको बिटमैप सॉन्ग को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको क्या करना, इस तरह से दूसरे नंबर की फ़ोटो पर आना 0.19 सेकंड पे और ऊपर स्क्रॉल करना और ये वाली फ़ोटो मिलेगी तो इस फोटो पर क्लिक करना, इफेक्ट पर क्लिक करना दोस्तों और थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, इधर आ जाना 0.19 सेकंड पे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर पेस्ट लेयर कर देना, ठीक है दोस्तों। इस तरह से तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप, पेस्ट लेयर हो जाएगी, तो इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और इस तरह से लास्ट में आ जाना। उसका इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है घड़ी के ऑप्शन पर, उसका इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमें एक बार फिर से बैक जाना है और बैक जाने का PNG वाले प्रोजेक्ट को ओपन करना है। उसका इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना दोस्तों और यहाँ से सिलेक्ट ऑल लेयर कर लेना। उसके बाद इसी वाले ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना और कॉपी 3 लेयर कर लेना, ठीक है दोस्तों। उसके बाद खाली जगह में टच करना है और उसके बाद आपको क्या करना दोस्तों, इस तरह से बैक जाना है, बिटमैप सॉन्ग को ओपन कर लेना है। उसे ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ पर पेस्ट 3 लेयर कर लेना। उसके बाद इस तरह से लास्ट में आ जाना दोस्तों। लास्ट में आने के बाद आपको क्या करना, ऊपर वाली लेयर पर क्लिक करना और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसका जो सेकंड वाली लेयर है बॉर्डर की, तो उस पर क्लिक करना और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है दोस्तों। उसका शेडो का ऑप्शन आएगा तो उस पर भी क्लिक करना और यहाँ तक लास्ट तक ले आना। इतना करने के बाद हमें क्या करना दोस्तों, ऊपर तीर का निशान दिखेगा उस पर क्लिक कर देना और यहाँ से एक्सपोर्ट वीडियो कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।